तो दोस्तों हम अभी एक 3DX मशीन पे आया था। इसका इशू एक हो रहा है, जो ग्रीसील रहता है ना हमारा स्विंग रैम के, वो ग्रीसील कट गया था। देख सकते हैं आप, एक ग्रीसील रहता है, ये कट गया है। तो अगर ये कट गया ना तो इसका प्ले बढ़ता है, मतलब ये जो इसका जो रहता है ना, ये गाला बढ़ते रहता है, और ये प्लेट इसके बुझ भी ख़राब होते रहते, तो फ्यूचर में इसके प्रॉब्लम आते रहते। तो इसकी वजह से ग्रीस नया डालना, ग्रीसील जो है ना नया डालना ज़रूर रहता है। ये ग्रीसील का पार्ट नंबर हमारा है 130/042737, JCB मशीन कंपनी का, ठीक है। तो क्या करने का, सबसे पहले 30 के बोल्ट रहते, नट बोल्ट खोल लेने का, नीचे से पाना लगाने का, करने एक पाइप रहता है हमारा, पाइप लगा के इसको खोल लेने का। इधर से 3 और उधर से 3 रहते हैं हमारे, तीनों तीनों ऐसे 6 करके बोल्ट रहते। वो बोल्ट खोलने के बाद प्लेट ऊपर आ जाती है, और ये हैंडल रहते हैं ये एक प्रकार के, ये हैंडल भी साइड में लेने के, प्लेट ऊपर आ जाती। अभी ग्रीसील हम डालने वाले हैं। देखिए अभी हमने ये ग्रीसील इसको नया लगा लिया। अभी इसको अच्छी तरीके से पोंछने का, जहाँ पे डस्ट है डस्ट बाजू में कर लेने का, और इसको लगा देने का। अभी उधर की साइड की तो जो ग्रीसील है वो ठीक ठाक है, अभी मालिक नहीं बोल रहे दूसरा सील उधर का डालने के लिए, तो बाद में काम में आएगा वो, ठीक है दोस्तों। और एक दूसरा पॉइंट है आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो बूम रैम है ना, बूम रैम के नीचे का जो ग्रीस निपल रहता है ना, उसकी भी ग्रीसिंग, मतलब ग्रीसिंग हो रहा है बट इशू आ रहा है बोल रहे थे वो, तो अपने को ये नया डालने पड़ता है। तो ये नया डालने के लिए इसको क्या करने पड़ता है, हमको 11 से 10-11 का जो पुंगली पाना रहता है ना, वो पुंगली पाने से खोल लेने का, और नया हम बता तुमको अभी कैसे कौन सा है वो, ठीक है ना। हमारा बूम, ये बूम रैम है, बूम रैम के नीचे यहाँ पे हमारा एडेप्टर बैठता है, तो इसको एडेप्टर कहते हैं। ये ना एलन की बोल्ट है, इसको मतलब इसके यहाँ से ग्रीसिंग होता है, ग्रीसिंग पास होता है, तो ये लगा लेने का। और एक ग्रीस निप्पल यहाँ से इधर से हमको लगाना पड़ता है, ठीक है। अभी ये पहले लगाएंगे और बताता मैं आपको। इसका एडाप्टर टूट गया था मशीन का, जो एडाप्टर बोलते हैं इसको, 816/200, उसके बाद 49, मतलब 49, ठीक है। तो बूम के जो नीचे का बूम रैम रहता है, बूम रैम को एडाप्टर आ रहा है ग्रीस निप्पल को। ये ग्रीस निप्पल देख रहे हैं आप, देख सकते हैं ये ग्रीस निप्पल है, और उसके ऊपर एडाप्टर आता है, वो एडाप्टर हमने लगा दिया, और उसको लगाने के बाद ग्रीसिंग कर लिया था, यहाँ से इधर से ग्रीस पास हो गया। तो ये टूटने का कारण क्या था, इन्होंने ट्रैक्टर का कुछ तो भी काम किया था, तो अब ऐसा ज़्यादातर केस में होता नहीं ऐसा, ठीक है दोस्तों। अभी हम देखते अगला, अभी हॉर्न कैसे बिठाते, क्या आता है हॉर्न को देखते। ये हॉर्न में डाल रहे हम कुछ नहीं करने का, 12-13 का रिंग बना ले जाएगा, ऊपर का नट लूज कर लेंगे, ले पुराना हॉर्न निकाल के हम नया हॉर्न डाल दे रहे हैं। अभी इतनी जल्दी कैसे करा वो को मालूम नहीं दोस्तों, पर क्या अभी क्या करते, उसको नया डाल देना जरूरी है, फिलहाल में हॉर्न डालना बहुत जरूरी है। ये पुराना वाला इसका नट बोल्ट निकाल लो, और ये हॉर्न के साथ इसको लगा लो। अभी ये भाई लगाए, वैसे देखा जाए तो इंजीनियर से ज़्यादा ऑपरेटर को नॉलेज रहता है। लगाओ लगाओ भाई, ये चेतन भाई है हमारे। चलो भाई थोड़ा पर आए, लगा दिया और इसका सॉकेट लगा दिया, और इसके बाद अभी चेक करते हैं हम। चाबी लाओ, चाबी ला, एक बार हम चेक कर दे खाली ट्रायल के हिसाब से। चाबी लगाओ उसको, हॉर्न बजा के देखो भाई क्या। ओके 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 भाई, थोड़ा सा आपका निकल देना, जाड़ी के लागले नहीं लागत नहीं मुझे। हाँ जाड़ी में थोड़ा आएगा वो, केबल मांगे खटा कर, ठीक है बाजार ढूंढो। और तो ठीक है दोस्तों, आज की मशीन में हमने, मतलब आज जो मशीन पे आए थे ना हम, वो मशीन का ज़्यादा काम नहीं था, जो बूम का जो हमारा ये है ना, उसका एडाप्टर हमने डाले, उसके बाद हॉर्न डाले नया, और जो हमारा स्विंग रैम है उसका जो ग्रीस सील रहता है वो डाले। तो अहम दोस्तों वीडियोस आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगाऊंगा, तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।